ठीक है मुजम्मिल, आप ट्यूशन से आ गए? जी बिरयानी, आप जब तक इसको इनफ करो, मैं ज़रा मुबशिर भाई के साथ जा रही हूँ, ठीक है? हाँ, मैं अभी जा रही हूँ मुबशिर को ट्यूशन बिठाने। मुबशिर को ट्यूशन पढ़ाना है मैट्रिक 10 क्लास का। मुजम्मिल आ चुके हैं। मुजम्मिल चले, आप ऐसा करें, आपकी 12 बढ़ जाएंगे ना, जी तो आप घर को लॉक करके चले जाइएगा, मैं आ जाऊंगी। चले ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ मुबशिर को ट्यूशन बिठा दूँ, जो रोज मुझे बस टाल रहे थे। आज ही काम मुझे इनफ करना है, और आके मैंने खाना बनाना है। मुजम्मिल क्या खाना बनाऊंगी आज मैं? या आपके फेवरेट है वो हम बाद में बताएंगे, आकर अभी टाइम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। न्यू व्लॉग के साथ आपकी सुबह से बहुत अच्छा वेदर है, ऐसा कि बारिश जैसा वेदर है, मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम अंधेरा हो गया था जैसे अभी बारिश हुई, लेकिन हुई नहीं। मैंने आलू रख दिए बॉईल करने को, और मैंने कहा आज बनाते हैं आलू भरे पराठे जैसा वेदर हो रहा है। फिर मैंने मशीन लगाई थी कल, तो मैंने कहा चलो कपड़े भी ना, बारिश जैसा मौसम हो रहा है तो उनको उठा के रख दूँ कपड़े, और तय बना देते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। न्यू व्लॉग के साथ आपकी सिस्टर हाजिर है, एज यूजुअल हंसती हुई मुस्कुराती हुई। और एंड वेलकम माय माय YouTube फैमिली, एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, बिल्कुल मजे में। और आज का ये काम मैंने इनफ कर लिया है, सर्टिफिकेट मैंने ले लिया है, मुबशी का कोर्स कराया था मैंने, और बस ये कराने के बाद आज एडमिशन करा कर आ चुकी हूं ट्यूशन में। इसलिए अभी तक 10 क्लास में आ गए हैं, तो बस उनके मैट्रिक के पेपर दिलवाने हैं, तो उसमें मैं कामयाब हो गई हूँ। मैंने ट्यूशन में एडमिशन करा दिया, ये मेरे बेटे का सर्टिफिकेट, और आगे आगे कोर्सेज में मैट्रिक के बात कराऊंगी। और बस अभी हम फ्री हुए हैं, तो इस कोचिंग से आकर बैठी हूँ, और अभी मैं ज़रा जा रही हूँ थोड़े पराठे बनाने, आलू भरे पराठे, और बाकी बातें मैं आपसे बाद में करती हूँ, थोड़ी देर वेट करें। चले मतलब भी आलू भरे पराठे बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं, आ जाए। जी देखें, ये मैंने आलू का भुरते का पेस्ट बना लिया है। इसमें मैंने नमक डाली है, पिसी मिर्ची डाली है, और ज़ीरा डाला है, और ये हरी प्याज थी, बंद गोभी थी, और हरी प्याज की जो प्याज वो काट के डाली, हरी मिर्ची है ग्रीन और रेड वो डाल दी है, और इनको मैं कर लूँगी अच्छी तरह अपने हाथों से मिक्सअप। और ये लहसुन की चटनी मैंने बिरयानी के साथ पीसी थी, और ये है हमारी सलाद, इसको हम मिक्स कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जी भाई, मैं बच्चों को भूख लग रही है, मैंने चलो गरम गरम आलू के पराठे, तो ऐसा होता है कि गरम खाए जाते हैं, ठंडे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और ये देखें, मैं इसको पेड़ा इस तरह कर रही हूँ कि साइड से दबा दूँगी कि वो भरता साइड से निकले ना। चले ठीक है, ये देखिए मैं बनाने लगी हूँ अपने पराठे गोल गोल से। ये देखिए, ये सेकंड पेड़ा मैंने बनाया, इसको साइड से मैं दबा लूँगी, और वो इसलिए दबाए जाते हैं कि ना ये हमारा भरता साइड से ना निकल जाए, ना रोटी हमारी फट जाए, ना टूट जाए। ठीक है, ये साइड से मैंने इसको इस तरह पंच कर लिया, और मैंने पराठा आना बनाना शादी के बाद ही स्टार्ट किया, उससे पहले मुझे नहीं आते थे। और ये देखें, ये इसको मैं ज़रा क्रिस्पी सा बनाऊँगी, ऑयल डाल के, ज़्यादा ऑयल डलेगा तो थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, और मुझे ऐसे पसंद है। लेकिन बेटे ज़रा बच्चे ज़रा कम मांगते हैं कि मामा ज़्यादा ऑयल मत डालीजिएगा कम, लेकिन ये बड़े अच्छे लगते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं आलू भरे पराठे बना रही हूँ आज, और चलें ठीक है ये इसको रेडी करते हैं क्विकली। और चलें फिर, मैं आ गई थी बाहर से, आपको बताया था मैं गई थी सर्टिफिकेट लेने, हाँ मेरे में बच्चे को सर्टिफिकेट मिल गया है, और अभी हम ये काम कर लें, उसका हम बाद में आपका डिस्कस करेंगे। बस चले इसको, बस मैं ज़्यादा ही सेक रही हूँ, ये मुझे खाना है। यार हुसैन क्या हो गया, तो अच्छा खासा ब्राउन कर रही हूँ। चलिए ठीक है, ये जो मैंने पराठे निकाले हैं, और ये मुबशिर को खाना है खाना, तो चलो मैंने चले गया, ये मेरी सब्जी भी रखिएगा। A few moments later. जी भाई, खाना खा के हम लोग फ्री हो चुके हैं, खाना हमने खा लिया है, आलू भरे पराठे बनाए थे, और आलू भरे पराठे इतने हैवी हो जाते हैं, एक से ज्यादा हम नहीं खा सकते, हम सबने एक पराठे खाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और जिस चीज़ की मैं ख्वाहिश करती हूँ, जिस चीज़ की तमन्ना करती हूँ, और मुझे हो जाता है बहुत मूड, बस अचानक रात में सोते सोते सोच रही होती कि कल मैं क्या खाना बनाऊँ, तो मूड होता है कि आलू भरे पराठे बनाऊंगी। फिर मैंने ना मना मैंने डिसाइड नहीं किया, मैंने जब देखेंगे सुबह का सुबह 5 मिनट लगे बस आलू बॉइल करने, और रखे आलू भरे पराठे मैंने खा लिए, बहुत दिल कर रहा था मेरा एक दिन पहले कि आलू भरे पराठे खाने खाने, और वो मैं खा
लेती हूँ फौरन, जो सोचती हूँ काम भोजन हो जाता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले थोड़ी आपसे गपशप की जाती है, लाइव जाने वाली है हमारी और इस ब्लॉग को मुझे अब करना था एंड, इसलिए कि थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा मेरा ब्लॉग। आलू भरे पराठे मेरे बहुत अच्छे बने और अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग भी शेयर करें, आप किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें सिस्टर के ब्लॉग पर। और बस आजकल तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीख लिया है कि बस अपना घर अपनी लाइफ को देखें और अपनी फैमिली को देखें और दूसरों की बातें करें इग्नोर और दूसरों की फिक्र करने हम छोड़ दें, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आई डोंट केयर अपने ज़िंदगी में, आई डोंट केयर का लव आप इंक्लूड कर लें जी, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा आई डोंट केयर करें और अपनी लाइफ पे तवज्जो दें, अपनी लाइफ की फिक्र करें, दूसरों की फिक्र करना छोड़ें। दूसरों की फिक्र करना चाहिए लेकिन दूसरों के घर में मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको आई डोंट केयर कर दें, ठीक है। और अल्लाह अल्लाह सबके साथ बेहतर करने वाला है, अल्लाह सबके साथ है, अल्लाह सबके साथ है। चल बस ये कि मैं ये टॉपिक पे बाद में आपसे बात डिस्कस करूंगी, अभी इस ब्लॉग को मुझे करना एंड। इसी मोबाइल में ना आपसे पहले भी कहा था बहुत तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है, बार 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 मोबाइल बंद हो रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे बहुत जल्द मिलूंगी, आपकी सिस्टर जल्द मिलूंगी। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे ब्लॉग जो वॉच करें तो लाइक का बटन लाजमी दबाएं और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया अनसब्सक्राइब है वो भी सब्सक्राइब कर दें, आगे छोटा सा कमेंट कर दें। नेक्स्ट ब्लॉग में आपकी सिस्टर जल्द मिलेगी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।